वेलकम टू द ट्रैवलिंग डूड। ट्रैवलिंग डूड में आप सबका स्वागत है। मैं शरद आज गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जो कि राजकोट से 67 किलोमीटर दूर और अहमदाबाद से 246 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पास में मच्छू रिवर है, जो पास में ये मोरबी डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है। मोरबी डिस्ट्रिक्ट फाउंड हुआ था सन 1698 में, जो कि राजा सर वाघजी ने फाउंड किया था इसको, जो राजपूताना से आते हैं। और यहीं मोरबी में भी आपको बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो मैं आज आपको ऐसे दो जगह पे ले जाऊंगा जहां फेमस चीज़ है। सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है मनी मंदिर। मनी मंदिर सन 1922 में बना था और उस वक्त की इसकी लागत थी 30 लाख रुपए, जो आज लगभग शायद करोड़ों में होगी, आप शायद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आज मैं इसकी हिस्ट्री कुछ बताने वाला हूँ। इसको निर्माण करने वाले सर बाबा जी ठाकुर वाघजी थे, जो कि अपने पहली बीवी मनीबाई के नाम से बनाया हुआ था, इसलिए इसका नाम मनी टेम्पल रखा गया। आप बताते मनी टेम्पल क्यों रखा गया, लोग मनी मंदिर क्यों बोलते हैं? ये लव मेमोरी पे बनाया गया था, मतलब लव सिंबल था ये। तो मंदिर इसलिए क्योंकि राधा कृष्ण का टेंपल भी है यहाँ पे। यहाँ पे तीन टेंपल है, एक तो राधा कृष्ण का, एक लॉर्ड शिवा का और तीसरा भगवान विष्णु का। तो ये तीनों का मंदिर यही है, इसलिए इसका नाम मनी मंदिर भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये मनी मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, सब जयपुर राजस्थान के जो पत्थर होते हैं वहाँ से पत्थर लाए गए थे और ये सब उसी पत्थर से बना हुआ ये स्कल्पचर है। इसको आप आर्किटेक्चर इन इंडिया के आप उस सिलसिले भी कह सकते हैं। तो आइए देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कैसे ये आर्किटेक्चर में अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जाली लगा हुआ है और अंदर अलाउ नहीं कर रहे शूट करने के लिए। तो मुझे जितना हो सकता है मैं आपसे शूट कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आगे आइए, देखिए आप आगे से भी हम जाएंगे, हम कोशिश करेंगे आगे से भी एक व्यू ले उसका। अभी मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में और कुछ जानकारी। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ और हम एक जगह और ले चलेंगे, भी आपके लिए सरप्राइज है। ओके गाइस कम। फ्रंट व्यू ऑफ द मनी मंदिर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मनी मंदिर का फ्रंट व्यू है। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी मैनेजर थे वो मना कर दिए, बोले कि यहाँ मंदिर में कोई आता नहीं है अभी फिलहाल, इसलिए यहाँ पे मैं अंदर जा नहीं सकता। फिर मैं आप लोगों के लिए ये बाहर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से, किसी पैलेस से कम नहीं है ये व्यू, बहुत ही शानदार जगह है ये। ये मनी मंदिर। तो गाइस अब चलते हम झूलता पुल। बंद कर दूं नहीं। वो झूलता पुल दिख रहा है। तो
अभी हम चलेंगे झूलता पुल में, हम झूलता पुल के पास में आ चुके हैं। ये है झूलता पुल, देखिए सेकेंड प्लेस है मोरबी का, ये झूलता पुल आप देख सकते हैं कितना लंबा ये पुल है। आइए अब इस पुल में चढ़ने का मजा लेते हैं। जाना इसी रास्ते से और इसे हैंगिंग ब्रिज भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको हैंगिंग ब्रिज कहते हैं। और इसका हिस्ट्री कुछ खास नहीं पता मुझे, पर आप शायद आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में। और हम वापस जाएंगे झूलता पुल से वापस अपने रास्ते पे, तो प्लीज़ देखते जाते हैं और कैसा लगता है। देखिए यहाँ सभी मेहू एंड लव स्टोरीज है, यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को भी अपना लव स्टोरी मजबूत करना हो तो यहाँ पे आके अपना नाम लिख दीजिए। का फेमस स्वराज का फेमस रगड़ापुरी यहाँ बहुत फेमस है, तो मैं अभी रगड़ापुरी बन रहा है और मैं खा रहा हूँ। आइए आप पानीपुरी रगड़ापुरी क्या ये पानीपुरी ये डुंगरी प्याज देखते इसका टेस्ट लेके कैसा है। मैंने ये डाला डुंगरी, ये है बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी खाइए, बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।